हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द वेब सीरीज द एम्पायर सीजन 1। आज हम इसके एपिसोड 6 के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज, आपको बता दूं कि ये इस सीरीज का सबसे बेहतरीन एपिसोड होने वाला है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखना ताकि स्टोरी आपको अच्छे से समझ आए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स कम टू द पॉइंट। इसके लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि बाबर खान यादव को सैवानी खान से आजाद करा देता है और सैवानी खान भी मीर अली के द्वारा मारा जाता है, जो कि शाह का सेनापति होता है। और इसी के साथ में कहानी प्रेजेंट में आती है और हमें दिखाया जाता है बाबर और उसके मित्र कासिम को, जो कि बादशाह बाबर को अपनी सफाई दे रहा होता है क्योंकि उसने फारस के शाह की शर्त बाबर से छुपाई होती है। वो शर्त ये थी कि बाबर फारस के शाह के हुक्म पर समरकंद पे राज करेगा, पर बाबर किसी की गुलामी नहीं करना चाहता, इसलिए वो कासिम को डांट रहा होता है। और कासिम कहता है कि आप ही के लिए मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, आज आप मेरी वजह से समरकंद के तख्त पर बैठे। और बाबर कहता है कि केवल तुम्हारी वजह से ही आज हम समरकंद के तख्त पर बैठकर भी बादशाह नहीं है। बाबर उसे सजा देता है कि आज से तुम हमारे यकीन का हिस्सा नहीं हो, और उसे आदेश देता है कि दोबारा कभी मत दिखना। और कासिम काफी ज्यादा दुखी होता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ वैसंगर बाबर को समझाता है कि हुजूर, आप समरकंद पे हुकूमत क्यों नहीं करना चाहते। बाबर बताता है कि बादशाह किसी के हुक्म पर हुकूमत नहीं करते, क्योंकि फारस के शाह ने ही ये शर्त रखी थी कि वो खान ज्यादा को छुड़ाने के लिए अपनी फौज तभी देगा जब बाबर उसके नीचे हुकूमत करेगा, और ये शर्त कासिम ने बाबर से छुपा ली होती है, और अब बाबर इसलिए बादशाह नहीं बनना चाहता। पर वैसंगर बताता है कि हुजूर, अगर आप चाहे तो हम फारस के शाह के साथ में लड़ने के लिए भी तैयार हैं। पर बाबर कहता है कि हम फारस के शाह के एहसानों को भी नहीं भूल सकते, उन्हीं की वजह से खान ज्यादा हमारे साथ है। आखिर में बाबर फैसला लेता है कि वो समरकंद को छोड़ देगा और फिर से बाबर बिना सल्तनत के बादशाह होगा। मगर तभी खान ज्यादा बताती है कि काबुल की रियासत खाली है क्योंकि वहाँ के बादशाह की मौत हो चुकी होती है, और अगर आप काबुल की शहजादी गुल्लू को अपना ले तो काबुल की रियासत आपकी हो जाएगी। मगर बाबर कहता है कि नहीं, महम ये बिल्कुल नहीं चाहेगी क्योंकि बाबर का ऑलरेडी निकाह हो चुका होता है। मगर वैसंगर कहता है कि आप महम के पति के अलावा हजारों लोगों के बादशाह भी हैं, कुछ रिश्ते अपने लिए बनते हैं और कुछ लोगों की भलाई के लिए बनाने पड़ते हैं, इसलिए आप एक महम के बारे में ना सोचकर हजारों लोगों के बारे में सोचे। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है बाबर और खानजादा को, जो कि इस निकाह के बारे में बात कर रहे होते हैं। खानजादा कहती है कि काबुल की तरफ बढ़ाया गया ये कदम आपका हिंदुस्तान की तरफ बढ़ाया गया एक कदम होगा, और बाबर हमेशा से हिंदुस्तान को फतेह करना चाहता था, इसलिए फाइनली इसके लिए वो मान भी जाता है। वो खानजादा को कहता है कि काबुल की शहजादी को पैगाम भिजवाइए, अगर वो निकाह के लिए राजी हैं तो हम 2 दिन में काबुल के लिए रवाना होंगे। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। और इसके अगले सीन में हम देखते हैं बाबर और उसकी फौज को, जो कि अब काबुल के लिए जा रहे होते हैं। वो सब काफी ज्यादा दुखी होते हैं क्योंकि ये उनकी जन्मभूमि होती है और वो उसे छोड़ रहे होते हैं। और अब सीन दिखाया जाता है काबुल में, जहां अब 18 साल बीत चुके होते हैं, और महम बाबर को समझा रही होती है कि आपकी दुखी हम सबको बहुत ज्यादा दुखी कर देती है। बाबर यहाँ पर काफी ज्यादा दुखी होता है। वो कहता है कि अगर आज अम्मी जान होती तो वो अपनी तीसरी पीढ़ी को देखकर काफी ज्यादा खुश होती, यानी कि अब बाबर के कई बच्चे भी होते हैं, और बाबर ने गुल्लू के अलावा एक और शहजादी से निकाह किया होता है जिसका नाम दिलदार होता है। पर बाबर सबसे ज्यादा महम से प्यार करता है। वो कहता है कि बहुत जोड़ लिए सियासी रिश्ते, दिल आपके साथ जुड़ा है। यहाँ पर महम बताती है कि राजनीतिक फैसले दिल से नहीं दिमाग से लिए जाते हैं। वो बताती है कि बहुत जल्द आपको अपने दोनों बेटों में से किसी एक को सल्तनत के वारिस के लिए चुनना होगा। बाबर कहता है कि अगर हमने आपके बेटे हुमायूं के अलावा गुलरुख के बेटे कामरान को चुन लिया तो। यहाँ पर महम कहती है कि तब भी हमसे ज्यादा खुश कोई भी नहीं होगा। और महम बताती है कि लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो गुल्लू ये गम बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। यानी कि यहाँ पे हमें पता चलता है कि काबुल की शहजादी काफी ज्यादा सातिर होती है, वो हमेशा महम और हुमायूं के साथ में चाल चलती रहती है। और दूसरी तरफ सीन शिफ्ट हो जाता है बाबर के 2 बेटे हुमायूं और कामरान पर, जो कि कुछ चोरों को अच्छे से पेल रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने उनके राज्य में कुछ चोरी की होती है, और इन लोगों ने आपस में कंपटीशन भी लगा रखा होता है कि किसने कितना मारा। ये लोग उन लोगों को लगातार मार रहे होते हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये दोनों सगे भाई नहीं है, पर एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते हैं, और इनका सबसे छोटा भाई इन सबके मजे ले रहा होता है। और दूसरी तरफ जब ये महल में पहुँचते हैं तो इन दोनों को महम काफी ज्यादा डांट रही होती है। ये लोग कहते हैं कि हम तो बस उन दुकानदारों को सामान वापस करा रहे थे उन चोरों से। पर महम बताती है कि शहजादे ऐसे मारपीट नहीं करते, और कामरान एक फूल को देकर अपनी बड़ी माँ से माफी मांगता है। यहाँ पे महम कहती है कि चलो हमने तो माफ कर दिया, मगर आपकी अम्मी को खबर हुई कि आप गलियों में लड़ रहे थे तो
वो ये सब उन्हें कुछ न बताने को कहता है, मगर तभी वहाँ पर गुल्लुक आ जाती है और जैसे तैसे महम उस सिचुएशन को संभालती है। मगर तभी एतवार आ जाता है, वो बताता है कि साहब बेगम की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और महम साहब बेगम के लिए निकल जाती है। और दूसरी तरफ साहब बेगम बता रही होती है कि सब कुछ अंधेरे में डूब रहा है, यहाँ पे उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है, वो उल्टे पुल्टे चीज़ बकने लगती है। और इसी के बीच में वो कुछ सही चीज़ बोल जाती है, वो बताती है कि उमर शेख बहुत नेक दिल इंसान थे। यहाँ पे वो बाबर के अब्बा के बारे में बात कर रही होती है और वो ये भी सच्चाई बता देती है कि उमर शेख ने अपना हाथ उसकी वजह से ही छोड़ा था, यानी कि उनकी मौत की जिम्मेदार साहब बेगम ही होती है। और वो इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है और इस बात से बाबर को साहब बेगम पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, पर वो यहीं पर मर जाती है, जिससे बाबर को काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है साहब बेगम के लिए वो लोग दुआ कर रहे होते हैं और साहब बेगम का यहीं पर अंत हो जाता है। दूसरी तरफ बाबर साहब बेगम ने जो किया वो सोच रहा होता है, वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है। और तभी एतवार साहब बेगम का सामान लेकर वहाँ पर आ जाता है, बाबर उसे आग में फेंक देता है। यहाँ पर बाबर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और वो साहब बेगम की एक तस्वीर को भी जला देता है। पर साहब बेगम ने जो किया था वो बाबर के भले के लिए ही किया था, वो बाबर को बादशाह बनना देखना चाहती थी। और बाबर अब गुस्से में होता है, वो कहता है कि अब हम इनके हर ख्वाब को नाकाम साबित करेंगे। दरअसल साहब बेगम की ख्वाहिश होती है कि बाबर कभी भी हिंदुस्तान पर हमला ना करे। वो कहता है कि हिंदुस्तान, अब हम हिंदुस्तान पर फतह करेंगे। बिना कुछ कहे इब्राहिम लोदी को पैगाम भिजवाइए कि अब उसके दिन हिंदुस्तान पर खत्म हुए। पर वैसंगर बाबर को समझाता है कि हम हिंदुस्तान को फतह नहीं कर सकते, लोदी की फौज हमसे 5 गुना बड़ी है। पर बाबर कहता है कि बहुत हो गया जिंदगी और मौत का खेल, अब सिर्फ जंग होगी और उसमें जीत होगी। और बाबर अपनी गैर हाजिरी में काबुल का तख्त हुमायूं मिर्जा को सौंपता है, जिससे गुल्लुक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और दूसरी तरफ वो हुमायूं को बाबर के साथ में युद्ध में जाने के लिए उकसाती है ताकि काबुल में कामरान मिर्जा राज कर सके, जो कि उसका बेटा होता है। हुमायूं को जंग में बाबर के साथ में भेजना चाहती है और कहती है कि आप हिंदुस्तान जैसी बड़ी रियासत में होंगे, वो भी अपने अब्बा के साथ में जंग में, तो उनके लिए कितना अच्छा होगा। और दूसरी तरफ महम बाबर को समझाती है कि आप अपनी फौज को हिंदुकुश के पार ले जाएंगे, नई जमीन पे खतरे भी बहुत होंगे। वो बाबर को आगाह करती है कि हिंदुकुश की जमीन आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। पर बाबर ठान चुका होता है, वो कहता है कि क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा हम मर जाएंगे, मरने के बाद अपने अब्बा से नजर तो मिला पाएंगे। और दूसरी तरफ खानजादा अपनी किताब को लिख रही होती है जिसमें वो प्रत्येक घटनाएं लिखती है। तभी वहाँ पर महम आ जाती है, वो खानजादा से कहती है कि आप उनकी बहन है, आप ही उन्हें रोक सकती है, ये जंग नहीं खुदकुशी है। पर खान ज्यादा कहती है कि उन्हें रोक भी लिया तो वो जिंदा कहाँ रह जाएंगी। वो कहती है कि बाबर को समझाना नामुमकिन है, बेहतर यही होगा कि आप उनकी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बने, ये बात आपको भी समझ लेनी चाहिए। और दूसरी तरफ सीन शिफ्ट हो जाता है बाबर और वैसंगर पर, जो कि बाबर को जंग और उसकी सेना की जानकारी देता है। वो बताता है कि हम ज्यादा से ज्यादा महीने भर का राशन ले जा सकते हैं। तभी वहाँ पर बाबर का बड़ा बेटा हुमायूं आ जाता है, वो बाबर को बताता है कि वो भी जंग में बाबर के साथ में जाएगा, पर बाबर उसे मना कर देता है। लेकिन हुमायूं मानने वाला नहीं था और बाबर अपनी सेना की तैयारी में लग जाता है। वो सभी सिपाही परिवार से मिल रहे होते हैं और हुमायूं भी ये सब देख रहा होता है और वो भी जंग के लिए अपनी तैयारी करने के लिए निकल जाता है, जिसके बारे में बाबर को पता नहीं होता। ये सब अकेले बिना किसी को बताए शुरू करता है। और दूसरी तरफ बाबर महम से मिलने के लिए जाता है और महम बाबर के इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं होती और ये सब जंग पर निकल जाते हैं और एक जगह रुक कर रात बिताने लगते हैं। मगर तभी किसी ने उनके उस पर्दे में आग लगा दी होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर सब कुछ जल रहा होता है और उनके कई सैनिक घायल हो जाते हैं और बाबर की पूरी सेना तितर बितर हो जाती है, लोग इधर उधर भागने लगते हैं। यहाँ पर वैसंगर बताता है कि ये सब इब्राहिम लोदी के सैनिकों का काम है, क्योंकि उनको हमारे ठिकाने के बारे में पता चल गया था। और वैसंगर बाबर को बचाने के लिए उस तंबू के अंदर चला जाता है जहाँ पर बाबर अंदर फंसा हुआ होता है, उनके बहुत से सैनिक मारे जा चुके थे, इसलिए वो सदमे में होता है। वो कहता है कि हिंदुस्तान को अपना बनाने के लिए हमने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, हमने अपना सब कुछ खो दिया, पर किस्मत की बेरहमी ने हमारा ख्वाब अधूरा रह गया और जिंदगी का मकसद भी। और दूसरी तरफ सीन शिफ्ट हो जाता है अगले दिन, जहाँ पर बाबर के बहुत से सैनिक मर रहे होते हैं, वो सब जल चुके होते हैं और जो बचे थे वो उनको बचा रहे होते हैं। ये जंग शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। बाबर कहता है कि एक हारती हुई जंग में अपने सिपाहियों की जान कुर्बान कर देना उनकी वफादारी के साथ में गद्दारी होगी और अपनी हार हमें साफ दिखाई दे रही है। और वो काबुल वापस लौटने का फैसला लेता है। बाबर कहता है कि अपनी हार मंजूर है हमें, मगर तभी वहाँ पर हुमायूं एक विशाल घुड़सवार
सेना लेकर वहां पर पहुंच जाता है और उसको देखकर सबके अंदर जोश जग जाता है। वो बाबर के पास में आता है और कहता है कि हमने आपके तरीके से आपकी मदद करने का फैसला ले लिया था, और वो आसपास के सभी मित्र सल्तनतों की उनकी सेना लेकर आया होता है। वो बाबर से पूछता है, क्या अब हम आपके साथ में जंग के उतरने के काबिल हैं? बाबर कहता है कि बहुत काबिल है, हमसे ज्यादा काबिल है, मगर कहता है कि ये जंग जीतना नामुमकिन है और उसने काबुल वापस जाने का फैसला कर लिया होता है। पर हुमायूं कहता है कि आपने हमें हिंदुस्तान का ख्वाब दिखाया, हम इसे जीत कर रहेंगे। मगर बाबर कहता है कि हिंदुस्तान जीतना नामुमकिन है। लेकिन तभी वहाँ पर कासिम आ जाता है, जिसे बाबर ने 18 साल पहले महल से निकाल दिया होता है, और वो बाबर को कहता है कि मुमकिन है, इस जंग का रुख बदलना मुमकिन है। और यहाँ पर वो एक नए हथियार के बारे में बात कर रहा होता है, वो उसे अपने साथ में लाया होता है। और इसी सस्पेंस के साथ में ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज, ये एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं यार, कभी भी कर लेना। एंड थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।